डिपार्टमेंट। क्या क्या चाहिए? ये स्वीट कॉर्न हमारा रेडी है। ये एक कॉप जो है ना हमारा बिल्कुल सर अभी पक्का नहीं है, इस स्टेज पे हम काटते हैं। कंज्यूमर भी इसको अपीलिंग बन जाए कंज्यूमर के लिए। और प्रोड्यूसर जो नॉवल है हमारे अंदर जिसको बोलते हैं, ये यहाँ उसमें डालते हैं, डिशेज में डालते हैं। जो ऑन द वे है मथुरा मासूम, जो अभी कुछ देर में हमारे साथ शामिल, उनमें से इधर सर ऊपर कलंतरा साइड हाँ ये ऊपर साइड ये मैडम मुश्किल जी है। दोनों कॉस्टली हैं, ये मैडम हमारे दोनों बासमती से कॉस्टली बिकते हैं। बासमती हमारा 100 रुपीज़ जाएगा, ये 150 में जाते हैं। ये हमारा बासमती हमने लगाया हाँ, ये पूछा सुगंध बासमती है, जम्मू वाला 370 नहीं है, ये सुगंध बासमती है, ये हमने सर रेबन में लगाया। मैडम ये हमारे राजबाश हैं जो हाई अल्टीट्यूड एरिया है, मक्की के साथ इंटरक्रॉपिंग लगता है हमारे 3-4 एरिया ये सारे। जी सर, जो ये आज टाउन दिवस डाक बंगलों में ऑर्गेनाइज हुआ है, तो ये इस हवाले से कुछ बताइए। ये टाउन दिवस के मौके पर हमने आज यहाँ स्टॉल लगाया था डाक बंगला बारामूला में, ताकि लोग आएँ और ये देखें कि यहाँ कौन कौन से फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, ये कौन कौन से यहाँ मतलब इनकी किन की काश्त है। और इसमें एप्पल की भी 10-15 वेराइटीज़ जो यहाँ लोकल वेराइटीज़ हैं वो हमने दिखाई है, पियर की कुछ वेराइटीज़ दिखाई हैं, और ड्राई फ्रूट्स की भी हमने 5-8 किस्में जिसमें चेस्टनट, वॉलनट, पिकन नट, हेजल नट वगैरह शामिल है, वो भी दिखाई। कुछ हमने यहाँ पॉट प्लांट्स भी लाए हैं ताकि लोग देखें क्योंकि प्लांट, क्योंकि जो नए नए प्लांट्स हैं जैसे चेस्टनट का प्लांट है, वॉलनट, ग्राफ्ट वॉलनट प्लांट्स हैं, ये हेजल नट प्लांट्स हैं, ये कैसे होते हैं, तो ये भी हमने रखा है। ये ओलिव ऑयल जो हमें यहाँ निकलता है ओडी से अपने बाग से, और लोग भी वहाँ इसकी काश्त होती है, वो भी हमने यहाँ रखा है। तो इसके साथ साथ हमने कैनिंग प्रोडक्ट्स जो जिसके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ट्रेनिंग देता है, जैसे टमाटर प्यूरी कैसे बनाते हैं, जाम, जेलीज, जूसेस, या ड्राई फ्रूट बनाते हैं इसका, एप्रिकॉट का, या इसको क्या कहते हैं अंजीर का, फिगस का, तो इसको भी हमने यहाँ डिस्प्ले किया है। और जो कैन और चेरी वगैरह इसको कैसे कैनिंग की जाती है और किन डब्बों में रखा जाता है, उसका भी हमने यहाँ एक ये अवेयरनेस कैंप मान लीजिए, लोग आए और यहाँ हमने देख लिया, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने यहाँ अपने स्टॉल्स लगाए और हमने भी अपना स्टॉल लगाया, तो लोग ये आकर ये देखते हैं कि यहाँ कौन कौन सा फ्रूट पैदा होता है, और इसी में सर इसका हॉर्टिकल्चर की तरफ शौक बढ़ जाता है। थैंक यू।